बनाना, केला, मॉस, हम लोग कुछ भी बोले, ये बनाना का जो है, हम लोग आजकल बहुत लोग मॉर्निंग उठते हैं, हमारा को हम सब लोग बनाना खाते हैं, हम लोग हमारा एक आदत है सब लोगों का बनाना खाने का। एक कॉमन मान का फ्रूट है, तो बहुत सस्ते में मिलने वाला फ्रूट है। तो ये बनाना एक्चुअली क्या है, पूरा दुनिया का सबसे ज़्यादा खाने वाला चीज़ों में फोर्थ पोजिशन में है ये। तो ये दिनों में सबसे ज़्यादा खाने वाला चीज़ों में पहला वाला जो लिस्ट में है वो चावल है, राइस। तो उसका नेक्स्ट में जो है कॉर्न है, तो कॉर्न का बाद जो है दूध है, मिल्क है। तो इसका बाद में जो है हमारा बनाना आएगा। तो बनाना सबसे ज़्यादा खाने वाला चीज़ में फोर्थ लिस्ट में है। तो जो सब लोग इसको खा लेके इसका बाद छिलका जो आता है उसको फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो इतना सारे प्रोडक्शन जो निकलता है सब लोगों के पास, तो हम लोग पूरा डस्टबिन में फेंक दे रहे हैं। तो उसको अच्छी तरह से हम लोग एक्चुअली अगर प्लांट्स को यूज़ करेंगे, उसको थोड़ा न्यूट्रिशंस वगैरह मिल जाता है प्लांट्स को। बनाना खाने के लिए एक तरीका है, लाइट ग्रीनिश येलो में अगर खाएंगे तो हमारे को अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा हमारा स्टमक का अंदर, और दूसरा जो है हमारा को ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा। येलो का बाद नेक्स्ट जो है इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आएगा लाइट, उसका बाद में हल्लो हल्लो वो ब्लैक बनेगा। तो तब तक तो ब्लैक बनेगा जब तक हम लोग उसको खा सकते हैं। जब ब्लैक स्पॉट चालू होता है वो टाइम से हमारे को इसका अंदर जो है अच्छा शुगर लेवल्स अच्छा उसमें ज़्यादा जनरेट हो जाता है। तो इसलिए क्या है, ब्लैक स्पॉट आने के बाद शुगर पेशेंट जो है वो बिल्कुल नहीं खाना है। और वैसे भी एक्चुअली क्या है, शुगर पेशेंट्स को ज़्यादा से बनाना खाने के लिए मना करता डॉक्टर्स, फिर भी आप अपना अपना डॉक्टर के हिसाब से आप खा सकते हैं। और ये जब ब्लैक पूरा होने का है उसका आपको एकदम एनर्जी मिल जाएगा। तो क्योंकि जिसमें ज़्यादा शुगर लेवल आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स आपको इसमें 92% आ जाएगा, जिसमें आपको शुगर रहेगा, स्टार्च रहेगा, फाइबर रहेगा, ये पूरा क्या है आपको अच्छी एनर्जी देंगे आपको पूरा। तो एनर्जी लेवल्स आपकी इमीडिएट बढ़ जाएगा। जब आपको एनर्जी कुछ भी कम महसूस होगी, आप एक बनाना खा लीजिए, अच्छा पके सो ब्लैक स्पॉट्स आए सो आपकी इमीडिएट एनर्जी मिल जाता। तो रही बात हमारा छिलका का, छिलका जो है ऊपर में जो पील्स है, बनाना पील्स का बारे में हम लोग को पूरा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारा पास है, गलत चीज़ें हमारे को बोल दिया गया, हम लोग मान के जा रहे हैं उसके लिए। तो सही क्या है तो आज हमारा वीडियो में दिखाएंगे। तो मेरा नाम गांधी प्रसाद है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। तो वेलकम टू माई चैनल गांधीज गार्डन टू किचन। अब तक आप लोग हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, इमीडिएट सब्सक्राइब करिए और मेरा चैनल को लाइक करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा आपको पसंद आ रहा है तो 10 लोगों को शेयर करिए, जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो है 10 लोगों तक पहुँचे। तो मैं जो भी वीडियोज़ बना रहा हूँ बहुत रिसर्च करके, उसके ऊपर एनालिसिस करके, मैं ट्राई करके खुद हम लोग आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। बनाना पील्स जो है एक्चुअली क्या, हमारे को अब तक बोलते आया बनाना पील्स हम लोग यूज़ करेंगे तो एकदम उसको प्लांट्स को इतना फ्लावरिंग आ जाएगा, इतना फ्रूट्स आ जाएगा, वो पूरा गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि बनाना में इतना ज़्यादा जो बोल दिया गया अभी तक पोटेशियम 42%, वो भी गलत है। 42% रहता नहीं पोटेशियम इसका अंदर, मैक्सिमम ऑफ 11% रहता है उसका अंदर, जब वो जस्ट केला जब कच्चा वाला है, अगर एकदम अगर सूख गया उसका अंदर में 1% से बिलो गिर जाता पोटेशियम, तो कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन हो जाता उसका अंदर। तो और एक चीज़ हमारे को गलत बोलते जा रहा अभी तक, नाइट्रोजन नहीं रहता, वो भी एक गलत बात है। बनाना पील्स में नाइट्रोजन रहता है, वो प्रोटीन का फॉर्म में रहता है। बनाना में 3.5% प्रोटीन रहता है जिसमें आपको नाइट्रोजन रहता है। तो ये बनाना पील्स को कंपोस्टिंग में अगर डाल देंगे आप जब वो कंपोस्टिंग करके वो कंप्लीट डीकम्पोज हो जाएगा, मतलब कंपोस्ट बन जाएगा पूरा, जब आपको इसका अंदर से नाइट्रोजन जनरेट होता है ऑटोमेटिक। तो बनाना पील्स में नाइट्रोजन भी रहता है, तो जीरो बोल के जो बोला अभी तक वो भी गलत है। तो वैसा ही ये बनाना पील्स डालते ही आपका अच्छी तरह से फूल आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये पूरा गलत है। तो जनरली हर एक तरीके का हम जो बना रहे हैं ऑर्गेनिक का, जो भी फर्टिलाइज़र हम बना रहे हैं जैसा है वो काम करेगा, ये भी ऐसे ही काम करेगा। तो ये भी अच्छा आपको प्रोटीन्स वगैरह देगा, नहीं बोल के नहीं, मगर ये डाले तो एकदम अचानक आपको इतना फूल आ जाएगा, इतना फल आ जाएगा, वो गलत है। बनाना पील्स को कट करके हमारा को जो गमेला रहता है हमारा जो प्लांट्स हम लगाए हैं वहाँ पर, वो मिट्टी में आप लोग उसको काट के उसको डाल दिए मिट्टी में थोड़ा खोद के, वो आपको प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा, वो भी एक बहुत गलत फहमी है। क्योंकि बनाना एक्चुअली पील्स में आपको उसका पीएच लेवल जो है वो 9.9% पीएच लेवल है। जो भी प्लांट्स हम लोग अच्छा ग्रो करना है, अच्छा फ्लावरिंग होना है, अच्छा फ्रूट्स होना है, जो भी वेजिटेबल्स फ्लावरिंग प्लांट जो भी है, सब कुछ हम लोग एक्चुअली क्या है पीएच लेवल बिलो 7 रहना है। तो एसिडिक बोलते हैं उसको, बिलो 7 को एसिडिक बोलते हैं। तो अबो 7 जो अल्कलीन हो जाता है वो हमारा ज़्यादा सा प्लांट्स को जो घर में जो गार्डनिंग में या फ्लावरिंग से या जो भी है उसको सूटेबल नहीं होता है। बड़े बड़े चीज़ों को, बड़े बड़े प्लांट्स को आपको वो पेरिनियल प्लांट्स वगैरह वो सबको
एक्चुअली क्या पीएच लेवल ज़्यादा होना है। तो हमारा जो घर में जो प्लांट्स जो भी है, फ्लावरिंग या फ्रूट्स जो भी है, वेजिटेबल्स, सब कुछ के लिए आपको बिलो 7 एसिडिक की वैल्यू का होना है सॉइल। तो नॉर्मली क्या है, 4.5 to 6.6 इज़ वेरी ज़बरदस्त अच्छा वाला चीज़ है। जो आपका प्लांट का सॉइल का एसिडिक का अगर 4.6 से 6.6 तक अगर मेंटेन करे वो ज़बरदस्त अच्छा रहेगा वो। तो अगर आप जब ये बनाना पीस आप उसका अंदर डाल देंगे 9.9 पीएच वाला, आपका प्लांट का जो है वो पीएच लेवल को बढ़ा देगा वो इमीडिएट। और जो अंदर का आप जब भी पानी डालेंगे अंदर का न्यूट्रिएंट का कुछ एक्टिविटी होता है अंदर, तो इसका रूट्स जो प्लांट का जो रूट्स है जो उसको हर एक न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो कैसा लेना है पूरा अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता रहता है हमेशा। तो जब हम लोग ये डाल देंगे तो वो सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका प्लांट जो है हाइबरनेट हो जाएगा, मतलब आपका प्लांट का ग्रोथ हाल्ट हो जाएगा, ब्रेक डाले जैसा। तो प्लांट जब से आपको ग्रोथ नहीं होगा ज़्यादा। तो और एक बात क्या है बोलो तो, रोज़ प्लांट जब कोई भी लगाए नीचे एक छिलका डाल दो उसको ऊपर लगाओ अच्छा आ जाएगा। टमाटर का भी वही सिमिलर बोल दिया गया है बहुत सारी वीडियोस में, तो इसको ऊपर भी मैंने बहुत रिसर्च किया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा गलती है, मैं जो बोला आपको ऑलरेडी मैंने, इसका पीएच लेवल 9.9% है। आप इसके लिए मेरा डाटा पूरा, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ इसका बहुत कुछ डाटा है, वो डाटा मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हुआ है। ये बात पूरा आपको अच्छे लगे 10 लोगों को शेयर बोला है, आपको अगर लाइक करेंगे जरूर, ये 10 लोगों का अगर काम में आएगा समझेंगे जरूर आपको शेयर करिए। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसा अच्छे अच्छे वीडियो को आपको बस लेकर आने के लिए। तो रही बात हमारा अभी इसके लिए फिर क्या करना है, आप इसको बहुत कुछ ज़्यादा उम्मीद करके ये पानी बना के स्प्रे करें तो इमीडिएट मेरे को इतना फ्लावर आ जाएगा, इतना फ्रूट आ जाएगा, वो उम्मीद जो है आपको अभी निकाल देना चाहिए अपना माइंड में से, क्योंकि वो आपको नहीं होगा एक्चुअली। ये तो मैंने ऑलरेडी हमारे गार्डन में भी टेस्ट किया हुआ है, ये मैं जो बोल रहा हूँ बात पूरा। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है फिर इसको, ये एक तरीका है कंपोस्ट बिन, रेगुलर कंपोस्ट बिन, और दूसरा तरीका है वर्म कंपोस्टिंग। तो रेगुलर कंपोस्ट बिन आप डाला है जैसा है वैसे डाल सकते हैं, छिलका को इमीडिएट फेंक सकते हैं उसका अंदर। तो जब आप कंपोस्टिंग होना चालू हो गया, कंपोस्टिंग हो जाता अपने आप कार्बन से मिक्स करके, जब उसका अंदर से जो नाइट्रोजन है प्रोटीन में, वो प्रोटीन का 3.5% जो है वो प्रोटीन का आपको उसका अंदर से नाइट्रोजन निकलता है, कितना निकलता है उसमें 0.6% नाइट्रोजन निकलेगा, वो इसमें हमारा कंपोस्ट में मिल जाएगा। वो जैसे आप कंपोस्टिंग सबको डालेंगे उसका साथ में वो भी मिलके सबको जाएगा वो। और दूसरा चीज़ है उसको वर्म कंपोस्टिंग, तो वर्म कंपोस्ट को अगर डालना है आप इसको छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल दीजिए, सो वर्म्स को जो है अच्छा खाना मिल जाएगा, उसको अच्छा कंपोस्टिंग कर देगा वो, 45 डेज के अंदर आपको कंपोस्टिंग हो जाता। तो वो एक चीज़ है। अब और एक चीज़ का है, कभी कभी हम लोग ये बनाना का पेस्ट बना के पेस्ट डायरेक्ट वर्म कंपोस्टिंग में फेंक देते हैं, वो भी गलत है। नॉर्मल कंपोस्टिंग में आप फेंक सकते हैं, मगर वर्म कंपोस्टिंग में आपको कभी भी मॉइस्ट लेवल थोड़ा मीडियम में रखना चाहिए, एकदम ज़्यादा भी पानी टाइप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी टाइप में अगर रहेंगे वो आपको क्या है वो मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा, उसका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होकर जल्दी मर जाएगा। उसको क्या है थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन रहना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा सूखा भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा ड्राई ड्राई नहीं दिखना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप छिलके को जो है थोड़ा थोड़ा कट के छोटा छोटा टुकड़ा डाल दीजिए, वो 45 डेज के अंदर कंपोस्ट हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। उसमें आपको पोटाशियम रिलीज होगा, नाइट्रोजन रिलीज होगा और फॉस्फोरस रिलीज होगा और मैंगनीज, सल्फर, कैल्शियम सब कुछ उसके अंदर कंपोस्ट में रिलीज होगा। जब आप इसको डालिए तो प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा ही रहेगा। ये बनाना पील जो है ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर से, बनाना पील एग शेल से पूरा स्लो रिलीजिंग है, मतलब अभी डाले आप कल परसों 1 week 10 days 1 month में आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये रिलीज होके सॉयल में मिलने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 3 months to 4 months लगेगा, तब उसका आपका जो भी एलिमेंट्स है उसको आपको मिलेगा। इससे अच्छा आप कंपोस्ट में डालिए, कंपोस्ट में 45 डेज में कंपोस्ट हो जाएगा और आप इसको ला के आपको कंपोस्ट वापर प्लांट्स को डालिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ क्या है, बनाना पील्स और एक्शेल्स को हम लोग पाउडर बना सकते हैं, वो भी पाउडर हम लोग क्या है जो प्लांट्स में आप गमेला में जो भी है उसका अंदर मिट्टी में जब डालते हैं आप थोड़ा दूर से डालिए, एकदम सेंटर स्टेम का पास में नहीं डालिए, तो साइड में थोड़ा दूर दूर डालिए, थोड़ा हल्का सा ऊपर मिट्टी को निकाल देके। तो ऐसा डालने से क्या है आपको रूट्स को अच्छा मिलेगा, वो हल्लोलू लिखेगा। और क्या है ज़्यादा मत डालिए, एक चम्मच आपको एक गमेला के लिए बस हो जाएगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा डालने से मैं बोला ना आपको फिर से आपको यही पीएच का प्रॉब्लम आएगा प्लांट के अंदर। तो इसको रिलीज़ होने के लिए आपको कम से कम 3-4 महीने लगेगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है और छिलका को डायरेक्ट पानी में आपको भिगा के 1 week 10 days जो भी है जितना भी दिन है आप भिगा के उसका अंदर जो पानी निकलेगा वो पानी आप लोग झाड़ को डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, दैट इज़ ए बनाना पील लिक्विड टी, उसको टी बोलते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ जो है बनाना को सीधा बनाना लेके आपको पीसेस काटिए,
टोटल बनाना, खाली पील नहीं, पूरा बनाना को छोटा छोटा पीसेस काट दीजिए, जितना बनाना ले रहे हैं उतना आपको गुड़ ले लीजिए जागरी। तो गुड़ ले लेके मतलब 100 ग्राम का बनाना लिया, 100 ग्राम का गुड़ डाल देना उसके अंदर, दोनों को मिला दीजिए, पानी नहीं डालना बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है आपका ध्यान में रखिए, बनाना पील का जो भी फर्टिलाइज़र है आपको प्लांट्स को एकदम ऐसा नहीं चमकाएगा, ये एक चीज़ बहुत बड़ा ज़रूरी है आप लोगों को समझने का। अब तक जितना भी वीडियोस अवेलेबल है वो डाले तो इतना फ्लावरिंग हो जाता है, इतना हो जा, वो पूरा गलत है। और एक बार मैं बोल रहा हूँ आपको, वीडियो देखे ना आप लोग, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो 10 लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए मेरा चैनल को, तो सब्सक्राइब करिए, तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर ये मेरा जो सब्जेक्ट मैं जो बोला हूँ आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो आपको 10 लोगों को शेयर करिए। ये समाचार जो भी इन्फॉर्मेशन है बताया आप सब लोगों के पास जाने चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट्स है वो फैक्ट सबको मालूम होना चाहिए। अभी तक जितना भी हमारा पास जो फेक इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, थैंक यू। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।